नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज, देश का बढ़ता हुआ हिंदी सैटेलाइट न्यूज चैनल। अभी मैं मौजूद हूं जिला पूर्वी चंपारण के पथाई प्रखंड अंतर्गत महमदी गांव में, पोस्ट सरैया गोपाल पड़ता है। और यहां एक महिला है जिनके साथ शादी के बाद से कुछ दिन तक, माने जो शादीशुदा जो जीवन होता है सही तरीके से चला, कुछ दिन के बाद इनके साथ परेशानी बढ़ गई। वो परेशानी ये है कि दहेज के लिए इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। और ये महिला से हम जानने का प्रयास करेंगे इनके साथ क्या क्या घटना हुआ है इनके ससुराल में। अपना नाम बताइएगा। पूजा कुमारी। पूजा जी, बताइए कि आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी पिछले 2021 को 1 जुलाई को हुआ था जी। शादी का कितने दिन तक आप लोग का, मैंने शादीशुदा जीवन सही तरीके से चल रहा था? अक्टूबर तक सर ठीक ठाक था। ये लगभग कितना दिन, लगभग एक दो महीना? पाँच महीना तक जी शादीशुदा जीवन माने सफल रहा, अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। तो अचानक आप लोग में ऐसी क्या बात हो गई जो आप लोग घर से अलग हो गए और केस मुकदमा करने की बात आ गई? सर मेरा तबीयत खराब हो गया, हम यहाँ अपने मायके आए थे जी। तो मेरा वहाँ से 4 महीना पहले तबीयत खराब था जी। तो वो लोग दवाई दे करके अपना दे देते थे, फिर हम ठीक हो जाते थे, फिर हम अपना जो होता था सब करते थे। उसके बाद में हम जब यहाँ आए अपने मायके, 7 फरवरी को आए, 7 फरवरी को आए तो यहाँ पे 17-18 तारीख को हमको बुखार लगा। बुखार लगने के बाद में बहुत, एक डॉक्टर है मेरे नज़दीक के, उनसे मेरे पापा दिखाए तो बोले कि इसको शक है हमको कि इसको टाइफाइड है, आप ले जा करके मोतिहारी दिखाइए। मेरे पापा कल होकर के संडे पर रहा था, मंडे को टीपी सिंह के पास मेरा नंबर लगवा दिए। मेरे पापा ले जा करके वहाँ दिखवा करके आए, आए तो वहाँ पे पता चला कि मुझे इकोलाई हो गया है और 7 पॉइंट मेरे देह में खून था। वहाँ से आए तब यहाँ, जब आए तब यहाँ बोले, उन लोग पूछा तो उन लोगों को मन नहीं था कि अभी अब डॉक्टर से दिखाएगी। मेरी सास बोलती थी कि दवा खा करके देखूँ, बुखार तो सबके हो। मेरे पापा बोले कि हम इतना भारी रिक्स नहीं लेंगे क्योंकि मेरा ये दूसरा जिम्मेवारी है। जब ये सब हो गया उसके बाद में वहाँ से फ़ोन आया कि 13 तारीख को गाड़ी भेजेंगे, आप विदा कर दीजिएगा। मेरे पापा बोले कि नहीं, कुछ ही स्वस्थ हो जाएगी। यानी कि आपका तबीयत उस समय ख़राब था, फिर भी आपका ससुराल पक्ष के लोग बेचैन कर दिए थे कि गाड़ी हम भेज देंगे, आप चले आओ। है ना? मेरे देवर भी धमकी के साथ बोले कि गाड़ी तो जाबे करेगा, नहीं भेजिएगा तो आप जानिएगा। उसके बाद में उन पर हम उनका बात का कोई अथी नहीं लिए। उसके बाद हम अपने पति को फ़ोन किए तो वो भी हमको बोले कि नहीं नहीं, गाड़ी तो कल जबे करी, यहाँ के कोनो हालत में चलावे के है, न आए तो आगे यहाँ समझा। मेरे पापा को भी बोले, मेरे पापा मजबूर होकर के गाड़ी आया, हमको भेज दी। ससुराल में हुआ क्या था जो आप ये केस करने का नौबत आ गया? यही तबीयत खराब हुआ। उसके बाद में जब हम दिखवाने के लिए बार बार कहते थे तो वो लोग कोई मेरा सुनता नहीं था जी। उसके बाद में हर हमेशा हमसे फलना चीज़ हमको लेना है, पैसा मंगवाओ, फर्नीचर बनवाना है, पैसा। उसके बाद में भी फिर थोड़ा हम सहते आए और उसके बाद में जब हम वहाँ गए, विदागिरी हुआ तो 15 तारीख को मुंबई से मेरे पति आए और वहाँ आने के बाद में 18 मार्च को ऐसे ही कुछ कुछ बात पर कहा सुनी हो गया। उसके बाद वो हमको क्या किए कि हमको मारे तो हम डर गए, हम बोले कि यार ये आदमी हाथ भी चलाते हैं तो हमको मार दिए। और उसके बाद में 3-4 दिन फिर हम सह करके रह गए। यानी कि आपके ससुराल पर सिर्फ आपके पति ही आपके ऊपर हाथ छोड़े थे कि सास भी, ससुर भी, ननद भी, क्या क्या सबका? 26 तारीख को रात में ये लोग का साजिश चल रहा था। 26 तारीख के रात में लोग का साजिश, ये लोग चाहते हैं, ये हर हमेशा हमको प्रताड़ित करते हैं। ये लोग, ये लड़का बोल रहा था कि अभी कुछ इसके साथ नहीं करो, हम चले जाएंगे मुंबई, उसके बाद तुम लोग भी कुछ करना क्योंकि हम पैसा कमाने वाला आदमी हैं, हम फंसेंगे नहीं। यही सुन करके हम अपने पापा को, हम डर गए। डरने के बाद में हम पापा को अपने फ़ोन किए, पापा मेरे कॉल होकर के आए। आने के बाद में बोले कि हमको विदागिरी कर दीजिए, तो बोले कि नहीं, विदागिरी अभी हम नहीं करेंगे। फिर मेरे पापा गाड़ी लौटा लिए। गाड़ी लौटाने के बाद में क्या किए, जो हमको तब 27 तारीख को रात में हमको नट्टी दबा दिए थे और ये सब आदमी कौन नट्टी दबे हुए, मेरे पति और ये सब का साजिश था। अच्छा, सब का साजिश, जुबान काट लेंगे, मेरा नट्टी पकड़ करके दबा दिया। उस दिन हम सोच लिए कि इस घर में अब हम नहीं रह सकते हैं, हम पापा को फ़ोन करेंगे। उसी रात में हम इन लोगों को बात करते सुनी कि इसको जान से ख़त्म करना है, ये मंगवाओ वो मंगवाओ, इसको बोलो प्रेशर बनाओ। यानी कि दहेज के लिए बिहार में आज भी दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को जान से मार दिया जाता है। और ये जो पूजा कुमारी है, अगर ये शायद उसने अपने एकांत से ये बात नहीं सुनी रहती तो शायद ये उस दिन ये भी दहेज के भेंट चढ़ जाती। ये बिहार में ऐसा ही हो रहा है ना, कानून व्यवस्था सही है। सबसे पहली बात है कि आम जनता, लोगों की मानसिकता में खलल हो रहा है, मानसिकता ही बदल चुका है कि दहेज लेकर क्या करेंगे आप लोग, दहेज लेकर के कितना दिन दहेज के पैसा खाएंगे आप लोग। तो यही समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि दहेज के लोभियों के साथ शादी कभी ना करें और ना ही दहेज देकर किसी बेटी का शादी करें।
तो मैडम आपने जो केस किया है, ये 4 लाख रुपया जो मांग रहा था वो किस लिए मांग रहा था? वो फर्नीचर के लिए दो, हमको दुकान करने के लिए दो। यानी कि शादी में, आपके शादी में आपके पिताजी फर्नीचर नहीं दिए थे उन लोग को? नहीं, सिर्फ फर्नीचर नहीं दिए थे, बाद बाकी मेरा पूरा सामान दिए थे। यानी कि जो घरेलू सामान होता है, गहना गुड़िया सब कोई, माने सब कुछ मिला था? कुछ मिला था, सिर्फ वो लकड़ी का सामान छोड़ कर दिया। लकड़ी का सामान के लिए कहता है कि फर्नीचर के लिए पैसा मंगवाओ, फर्नीचर वहाँ से नहीं मिलेगा तो पैसा मंगवाओ, हम यहाँ पढ़ लेंगे। दुकान करने के लिए पैसा मंगवा, वो दुकान बनाया है कहीं पे, उसके लिए वो दुकान करने के लिए हमसे पैसा, तो हमारे पापा जमीन बेच करके मेरा शादी किया, अब हम उनसे कैसे मांग सकते हैं? तो आप लोग किस कास्ट से बिलोंग करती हैं पंडित जी? आप लोग जी मैथिल तो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, फिर भी इन लोगों से दहेज का जो प्रताड़ित, शायद ये भी आज के डेट में हम लोग से बात नहीं कर रही होती। अब आपने पता ही थाना में जो ये आवेदन दिया है, इस आवेदन के आधार पर क्या थाना अध्यक्ष महोदय FIR किए हैं? अभी तो हमको नहीं पता चला है, लेकिन 2-3 दिन हम लोग गए थे, नहीं किए थे, आज हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन किसी से सुनने में आया है कि वो कर दिए हैं, अब किए कि नहीं है कि हम लोग को अभी केस नंबर मिला नहीं है। यानी आप लोग को ये भी पता नहीं है कि FIR हुआ है कि नहीं, लेकिन आवेदन आप लोग ने दे दिया है, हमारे इस आवेदन पर रिसीव भी नहीं करके दिए हैं थाना अध्यक्ष महोदय, और सरकार के वरीय अधिकारी से भी अपील करते हैं कि कम से कम इस तरह का जो घटना या वारदात हो रहा है तो ऐसे अपराधियों को कानूनन सजा, बहुत कठोर सजा मिलना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर फिर और भी बिहार की बेटी हो या देश की बेटी को जीवन दहेज के खातिर ना मर जाए कहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से, कुछ विनती करेंगे आप? यही विनती है हमको कि हमको न्याय मिले, उसको सजा मिले जी। तो पूजा कुमारी का भी कहना है कि उनको न्याय मिलना चाहिए हमको, और न्याय के आधार पर। और अच्छा एक बात बताइए हमको आप, कि अगर आपके पति आपको अभी रखना चाहेंगे तो आप रह सकती हैं उसके साथ? हम कैसे रह सकते हैं सर, जो हमको मारा, जो हमको पीटा, जो सबके साथ साजिश करता है, उसके साथ हम कैसे रहना चाहते हैं? यानी कि जब भरोसा टूट जाने के बाद भरोसा फिर से दोबारा नहीं होता। उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप लोग दहेज में भी पैसा दिए थे क्या मैडम? दहेज में पैसा दिए थे अपने दामाद को? उपहार दिए थे या दहेज दिए थे? उपहार। कुमारी के पिताजी हैं, अब पिताजी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपने दामाद को उपहार में कितना रुपया दिए थे? कितना रुपया दिए थे सर उपहार में? 5,25,000 रुपया उपहार में दिए, यानी गिफ्ट के तौर पर आपने दिया था उसको 5,25,000 रुपया, और भी सामान मन खरीदने के लिए दिए थे? 1,20,000 रुपया मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिए थे। 25,000 रुपया अंगूठी के लिए दिए थे सामान पूरा, और सामान दुनिया जान खरीद करके 2,60,000 रुपया और अलग से मैं खर्च किया, जिसमें गोदरेज है। यानी कि उपहार स्वरूप बहुत सारा सामान आपने दिया, पैसा भी दिया, तो शर्म आना चाहिए राजबाबू आपको कि आपको ससुराल, आपके ससुराल पक्ष से इतना आपको कुछ कुछ मिला, लेकिन आप फिर भी इनको परेशान कर रहे हैं, इन पर दबाव बना रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं जबरदस्ती, है ना जी? तो थाना महोदय से FIR जब किए हैं तो थाना महोदय आपको कुछ बताए हैं कि नहीं, कुछ बोले? अभी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। कल हम लोग को बोल दिए कि आप लोग जाइए ना, इतना बेचैनी क्या चीज का है? आप लोग जब थाना में गई थी तो आप लोग सब व्यवहार कैसा रहा थाना अध्यक्ष? पहले उनका व्यवहार ठीक रहा, लेकिन बाद में जब ये लड़का पार्टी वहाँ पे पहुँच गया ना, उसके बाद उनका रुख ही चेंज हो गया। अच्छा, उनको साइड ले गया और क्या कहा नहीं कहा तो हम लोग नहीं सुने। 1.25 घंटा तक उनके साथ हम लोग रहा, उसके बाद फिर मेरे पापा गए तो बोले कि आज छोड़ दीजिए, कल हम आपको रिसीविंग दे देंगे, नहीं देंगे।